हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकार ट्रेडर्स। सरकार ट्रेडर्स के अंदर आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। सरकार ट्रेडर्स में आपको हाजिर कर रहा है बंच ऑफ स्टॉक। यस, एक स्टॉक का बंच हाजिर कर रहा है जो आपको आने वाले टाइम पे बहुत ठीक ठाक रिटर्न दे सकता है। फ्रेंड्स देखिए, पता है, मुझे पता है कि ये वीडियो ना बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि हम सब लोग ना ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए बिजी हैं। बट फ्रेंड्स, एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आप स्टॉक मार्केट को ठीक ठाक सीखना चाहते हो, अगर आप स्टॉक मार्केट को ठीक ठाक स्केल से स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हो, तो हर किसी ने अगर स्टॉक का वीडियो बना रहा है और विथ टेक्निकल के साथ बना रहा है, तो वो वीडियो आपके लिए बहुत कामदायक होगा। तो आज का मेरा ये वीडियो उन फ्रेंड्स के लिए है जिन लोग दिन का टाइम पे बिजी रहते हैं, वीकली, मंथली, टू मंथ, शॉर्ट टर्म स्टॉक चाहते हैं, उनके लिए है। मैं इस वीडियो में टू टाइप ऑफ स्टॉक दिखाऊंगा। आप चाहते हैं सेबी रिसर्च एनालिसिस क्या स्टॉक सजेस्ट कर रहे हैं आपको? यस, हमारे साथ जो एसएमसी फुल टाइम ब्रोकर है, उनका साथ जो सेबी रिसर्च एनालिसिस टीम है, उन लोग कौन से स्टॉक सजेस्ट कर रहा है मैं वो भी बताऊंगा। अंत में सरकार ट्रेडर्स का रिसर्च से कौन से स्टॉक आपका सामने आ रहा है ये भी बताऊंगा। तो चलिए गाइस, देखते हैं पूरा वीडियो को अगर आप टेक्निकल को सीखना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, सरकार ट्रेडर्स का ये सारे फैसिलिटीज आपके सामने है, आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं स्टॉक। सबसे पहला स्टॉक सजेस्ट कर रहा है जो सेबी रिसर्च एनालिसिस टीम है, मदरसन सुमी। क्यों सजेस्ट कर रहा है? द स्टॉक क्लोज एट 95 ऑन 8 दिसंबर 2023। इट मेड ए 52 वीक लो 61, ओके, 28 मार्च 23, 52 वीक हाई 103। अब देखिएगा, चीजों को समझने का कोशिश कीजिएगा, ओके। तो यहाँ पे 103 का हाई बनाया था स्टॉक ने यहाँ पे, और 52 वीक लो अगर बात करें तो 61 का लो बनाया था, जो कि मार्च 23 में, ओके। उसके बाद क्या कहने जा रहा है, 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज स्टॉक डेली चार्ट में 89 पे ब्रेकआउट हुआ है। ये देखिए, 89 पे 200 डेज मूविंग एवरेज ब्रेकआउट हुआ है, ओके। आफ्टर मेड 52 वीक हाई ऑन 03 मंथ ऑफ सितंबर 2023, द स्टॉक रिकॉर्डेड द ब्रेक टुवार्ड्स 200 डेज मूविंग एवरेज। 200 डेज, देखिए, जो 52 हाई से ये दोबारा कहाँ तक आ गया है ना, 200 डेज मूविंग एवरेज तक आ चुका है, ओके। ये फुल टेक्निकल के साथ जो उन्होंने सजेस्ट कर रहा है, मैं आपको बता दूं कि वो सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको यहाँ पे जो ये लेवल चल रहा है 94 से 95 लेवल के आसपास बाइंग कीजिए आप इसे, 105 के आसपास तक टारगेट रखिए, स्टॉप लॉस रखिए 88। ये आपका एक सेबी रिसर्च एनालिसिस का व्यू है, राइट। बट मैं इसमें थोड़ा सा आपको तदबील करूंगा, क्या कि इस हाई के ऊपर अगर मिनिमम 1 आवर स्टे करेगा तभी आप स्टॉक को लीजिएगा। फर्स्टली टारगेट रखिए यहाँ तक, और सेकंडली टारगेट आपको यहाँ तक होना चाहिए। स्टॉप लॉस अब बिल्कुल जो ये 88 बता रहा है, आप यहाँ पे 88 यानी कि 200 डेज लेवल को ब्रेक करता है तो आप स्टॉप लॉस मेंशन कर सकते हो। आई होप इस टाइप का वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक का बटन के साथ साथ, और नीचे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि हाँ सर, वीकली इस टाइप का वीडियो आप बनाते रहिए। मिनिमम 25 कमेंट्स अगर इसके ऊपर आएगा तो मैं हर वीक आपको इस टाइप का बंच ऑफ स्टॉक प्रोवाइड करता रहूँगा। नेक्स्ट स्टॉक, पीवीआर आयोनिक्स। आई होप कि आपको पता है पीवीआर आयोनिक्स का काम क्या है, क्या ये बनाते हैं प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, द स्टॉक क्लोज एट 1744। कहाँ पे क्लोज हुआ है? स्टॉक क्लोज हुआ है 1744 पे, हम यहाँ पे देख रहे हैं, ओके, दिसंबर 8 दिसंबर 23 को। इट्स 52 एक लो 1336। 52 का लो कहाँ बनाया ना, 1336 के आसपास यहाँ पे इतना लो बनाया था, ओके, 17 मार्च 2023 को। 52 एक हाई 1920 ये 52 का हाई बनाया था, ओके। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिखा जा रहा है, कब बनाया था, 7th दिसंबर 2022 को, ओके। 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑन द स्टॉक ऑन द डेली चार्ट करेंसी 1640 पे, यानी कि 200 डेज मूविंग एवरेज कहाँ पे है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 200 मूविंग एवरेज होगा आपको 1640 पे, बट ये हमारा सिंपल मूविंग एवरेज होगा, इसलिए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यहाँ पे है, ओके। अरे सर समझ में, फिर क्या बता रहा है, फॉर द लास्ट 3 और 4 मंथ, 3 से 4 महीने तक द स्टॉक हैज बीन ट्रेडेड अंडर द रेंज, ओके। तो ये कहाँ है ना, इस रेंज के अंदर बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे जिन लोग ये सजेस्ट कर रहा है, क्या सजेस्ट कर रहा है आपको, कि 1935 और 1950 के आसपास आप 17
40 से लेके 1745, यानी कि जहाँ पे ये रेंज चल रहा है आपको यहीं पे बाइंग करने का सलाह दिया जा रहा है। ओके, इसका जो स्टॉप लॉस मेंशन करने के लिए बता रहा है 1620 का स्टॉप लॉस मेंशन करने के लिए बता रहा है, और टारगेट जो बता रहा है 1935 का एक फर्स्ट टारगेट है, 1950 तक का लगभग, देखो लगभग यहाँ तक का टारगेट, इस लेवल तक का टारगेट आपको बताया जा रहा है। बट मैं आपको कहूँगा और भी सेफली आप यहाँ पर रहना चाहते हो तो आपको ये जो हाई दिख रहा है आप खुद ही चार्ट लगाइएगा, चार्ट लगाने के बाद आपको वीकली चार्ट में ये चीज़ दिखाएगा, दिखने के बाद आपने यहाँ तक टारगेट बुक करना है। यहाँ पे क्या बनाया है, वीकली चार्ट में कप विथ हैंडल पैटर्न बनाया है, उसके बाद एक डाउन स्लोप जिसे ये ब्रेकआउट किया है वीकली चार्ट पे। आ रहे सर समझ में? तो ये था हमारा रिसर्च टीम का एक लाजवाब दो स्टॉक, आप अपना खुद से विचार बना के खुद का सलाहकार से सलाह लेते ही इसमें ट्रेड कीजिएगा। नेक्स्ट हम जो आपको दिखाने जा रहे हैं, क्या दिखाने जा रहा है, जो सरकार ट्रेडर्स का रिसर्च का जो स्टॉक है, आपको बताना चाहूँगा कि एक्सपायरी डेट, जैकपॉट फार्मूला, इन तमाम चीज़ों को अगर आपको समझना है, सीखना है, तो सरकार ट्रेडर्स का ऑनलाइन क्लासेस जो कल से शुरू हो रहा है आप खुद से सीखो दोस्त, दूसरे को बस डिपेंड करके, जो आप टेलीग्राम चैनल, टीवी चैनल ये देख के आप ट्रेडिंग करते हो, वहाँ पे जब प्राइस नीचे आता है तो आप 10 लोगों को मैसेज करते हो, आपको डर लगता है, बट आपके अंदर वो टेक्निकल होगा तो आपको डर नहीं लगेगा। चलिए मैं लेके चलता हूँ आपको जीरोधा प्लेटफॉर्म पे, और यहाँ पे देखने का कोशिश करूँगा कि आपको कौन सी स्टॉक सरकार ट्रेडर सजेस्ट कर रहा है। तो फिर से बता रहा हूँ, ये बंच ऑफ स्टॉक, ओके, बंच ऑफ स्टॉक जिनेसिस, ये आप खुद से देखिए ऑन डे का टाइम फ्रेम पे 200 डेज मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट देने के बाद एक अच्छा खासा रेंज ब्रेकआउट हो रहा है। इसमें क्या दिखा रहा है, सरकार ट्रेडर्स ये सजेस्ट कर रहा है कि एक रेंज ब्रेकआउट हुआ है इसके अंदर, और आने वाले शॉर्ट टाइम पे इसके अंदर एक बहुत अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है। तो सरकार ट्रेडर्स का हमेशा ये सजेस्ट रहता है कि आप वीकली पर्पस या मंथली पर्पस व्यू लेके 5-7% रिटर्न अगर मिल जाए तो कम नहीं होता है, ठीक है। तो इस स्टॉक को मैं स्टॉप लॉस के सलाह दूंगा 370 के आसपास का मैं स्टॉप लॉस का सलाह दूंगा, और बाइंग नियर अबाउट यहाँ पे कीजिए, और टारगेट आई होप कि 5-10% तक का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर बहुत सारे स्टॉक है, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टॉक कौन सी है, नजारा। नजारा के ऊपर हम ध्यान दे रहे हैं, नजारा को आपको ट्रेड करना होगा तो आपको कम से कम इस रेंज के ऊपर आने दीजिए, इस रेंज के ऊपर आने दीजिए, फिर इस स्टॉक को बाइंग कीजिएगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंशन करना चाहिए प्रीवियस जो लो लेवल बनाया था, इस लो लेवल के नीचे मिनिमम। ओके, नेक्स्ट स्टॉक हमारे सामने कौन से आ रहा है, नेक्स्ट स्टॉक, और इसके अंदर सबसे जो लाजवाब स्टॉक होगा वो भी मैं बता दूंगा कि सबसे लाजवाब स्टॉक क्या है, उज्जीवन सर्विस, फाइनेंस सर्विस सेक्टर। ओके, तो उज्जीवन के ऊपर हमने जो सजेस्ट कर रहे हैं आपको, यहाँ पे हम बता सकते हैं कि ये स्टॉक जब इस रेंज को ब्रेक करेगा, यानी कि प्रीवियस डे का हाई ब्रेक होते ही इसमें एक आग लगने लग जाएगा गाइस, या आग लगने लग जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत अच्छा रिटर्न देने वाला है आपको बहुत ही शॉर्ट टर्म के अंदर, हमें ऐसे लग रहा है। बट आप अपना सलाहकार से सलाह लेते हुए ट्रेड करना, फुल्ली खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर ट्रेड करना। ओके, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या मेंशन होना चाहिए, मिनिमम इसमें आप स्टॉप लॉस जो ये ट्रेंड लाइन जा रहा होगा, ये जो ट्रेंड लाइन जा रहा होगा इस ट्रेंड लाइन से नीचे अगर आ जाता है तभी आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंशन करना होगा। क्लियर? खुद से देखिए सर, खुद से समझने की कोशिश कीजिए, दूसरे के ऊपर डिपेंड मत होइए। नेक्स्ट स्टॉक आता है स्टार। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एमएससीडी इंस्टाग्राम को पॉजिटिव ब्रेकआउट हो रहा है, अगर वॉल्यूम बार देखोगे तो अच्छा खासा वॉल्यूम ब्रेकआउट हो रहा है, और ये स्टॉक को मैं सजेस्ट करूंगा 1515 के ऊपर, 1515 या 1520 के ऊपर अगर स्टेबल करेगा 1 आवर्स तो इसके ऊपर से फिर से आपको एक अच्छा टारगेट दिखा सकता है, मिनिमम 550, एंड उसके बाद भी आपको ह्यूज टारगेट दिखा सकता है दोस्त। वॉच लिस्ट में रखिएगा जो मैं ये 3-4 स्टॉक सजेस्ट कर रहा हूँ। फिर एक सबसे जाना पहचाना स्टॉक वो कौन सी है, वो है आपको IRFC। चार्ट देखिए सर, लालच आ जाएगा, जो स्टॉक ट्रेडिंग में दिलचस्पी रखता है उनका मुंह में पानी आ जाएगा, ऐसे ऐसे स्टॉक मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। ओके, देखिए यहाँ पे क्या है, अगर आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो लगभग ये आपको ट्रेंड लाइन पैटर्न जा रहा है, और ऐसे ट्रेंड लाइन पैटर्न में लास्ट जो स्विंग हाई रहता है उसको ऊपर स्टे करना होगा तभी इस स्टॉक का प्राइस ऊपर जा सकता है, उसके बीच में स्टॉक हमारे को फंसाता रहता है, रुकता रहता है। ओके, आ रहा है सर समझ में? वीडियो कैसे लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और सर्कल ट्रेडर्स हमेशा आपके साथ में रहेगा जब तक आप सर्कल ट्रेडर्स का हाथ नहीं छोड़ोगे। बट सर्कल ट्रेडर्स के नाम पे जितने भी फेक चैनल चल रहा है उनसे बच के रहिएगा, खुद से सीखिए, खुद से कमाओ। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।